मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट सत्र से पहले किसान संगठनों ने विपक्षी सांसदों से गुहार लगा दी है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने इंडिया गठबंधन के सांसदों से कहा है कि वे संसद में एमएसपी की गारंटी को लेकर प्राइवेट विल लेकर आए। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2024 से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले दो किसान संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के किसान नेताओं ने विपक्षी सांसदों से मिलना शुरू कर दिया है। किसान संगठन ने अपनी मांगों की लिस्ट तैयार कर ली है। किसान संगठन ने विपक्षी सांसदों से मिलने की शुरुआत राज्यों से ही की है जहां उनकी पकड़ ज्यादा मानी जाती है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को होने वाले लोकसभा के सत्र के दोपहर के बाद का समय प्राइवेट मेंबर बिल के लिए आरक्षित किया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ खींचना होता है जिन्हें विपक्ष अहम मानता है। इसके जरिए विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अब तक कुल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून भी बन चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, हमारे प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगों को उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था। हमें पता है कि वे सत्ता में नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वे हमारी मांगों को धक्का दे तो सकते हैं। उन्हें चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। किसान संगठन ने कहा कि इस बार सरकार को एमएसपी की गारंटी के लिए स्पेशल बजट का ऐलान करना चाहिए और किसानों के कर्ज माफी का ऐलान भी बजट में करना चाहिए। बता दें कि चुनाव से पहले ही किसान संगठन एमएसपी की गारंटी किसान आंदोलन में शामिल लोगों से केस हटाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर कुछ किसानों ने अब भी डेरा डाल रखा है। ऐसे में बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब संसद में विपक्ष जो है किसानों का मुद्दा उठाएगा, क्या एमएसपी पर सरकार को अब कानून लाना ही पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त देश की राजनीति में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।